days burn me out. Love just brings me down. Cold inside like winter leaves are slowly. गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हैजर्ड्स लाइट्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब में। तो वहाँ पर क्या होता है कि चाबी को ऑन करना पड़ता है, उसके बाद जो इंडिकेटर है उसको ऑन करने के बाद ऐसे ही कुछ ऑन ऑफ स्विच वगैरह होता है, उससे ऑन ऑफ करने से जो हैजर्ड लाइट्स होता है ऑन ऑफ होता है। तो यहाँ पर मैं एक नया टेक्निक यूज़ करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होगा कि इसको ऑन करना पड़ेगा उसके बाद ही आप कुछ स्विच का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें इसलिए मैंने एक यहाँ पर स्विच खरीदा है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये स्विच मैंने क्यों ख़रीदा, आप देख सकते हैं ये स्विच हैजर्ड लाइट्स के लिए है। यहाँ पर हैजर्ड लाइट का जो सिग्नल है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये बेसिकली 3 पिन कनेक्शन का स्विचेस है। तो ये 2 पिन का स्विच है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों वायर है, यहाँ पर हमको 3 वायर चाहिए। तो ये वाला फीचर ऐसा है कि यहाँ पर आपको यहाँ से दबाना है, ये हो गया ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऐसे ये काम करेगा। आपको कुछ ऐसा वैसा स्विच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले इसको ऑन करें उसके बाद ही इसको दबाएं। आप चाबी ऑन करेंगे उसके बाद ही इसको यूज़ कर सकते। तो इसका जो डायग्राम है वो बहुत ही इजी है, घर में बैठे कर सकते। इसके लिए आपको कुछ वायर्स लगेगा, तो मैं जो कनेक्शन है वो पूरा बता देता हूँ। जो ये वाला पार्ट है इसको पूरी तरह से खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शन है वही रहता है। तो मैं अभी तक सोचा नहीं है कहाँ पर लगाऊंगा इस स्विच को, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ ड्रिल वगैरह या फिर इसको गलाना नहीं है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इस एरिया पे स्विच को ऐसे रखेंगे अंदर और यूज़ करेंगे। तो पहले ये पार्ट को खोल लेते हैं, उसके बाद जो वायरिंग का कनेक्शन है वो मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो वायर्स था इसको छील लिया है, उसके बाद जो मैंने वायर लेके आया था उसको यहाँ से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल टेप या फिर ब्लैक टेप का यूज़ करके इसको अच्छी तरह से बांधूंगा। यहाँ पर तो जोड़ दिया मैंने, अभी इसको टेप कर लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो वायर्स था उसको एक्सटेंड कर लिया है। अब आते हैं फ्लैशर्स के बारे में। तो होंडा और हीरो में जो फ्लैशर्स यूज़ होता है, जो स्टॉक फ्लैशर्स है, वो एक साथ चारों इंडिकेटर को कैरी नहीं कर सकते। तो क्या होगा, हम अगर इसके कनेक्शन करेंगे तो ये जल जाएगा कुछ दिन बाद। तो इसलिए मैंने बाहर से एक आफ्टर मार्केट जो फ्लैशर है वो ख़रीदा है। और जो TVS और बजाज का फ्लैशर है उसमें आप ये कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो स्टॉक फ्लैशर है वो कैरी कर सकते हैं चारों इंडिकेटर को। तो ये मैंने ख़रीदा है, ये कोई स्विस कंपनी का नाम से। तो आप अगर जाके बोलेंगे तो आपको दे देगा कि हैजर्ड लाइट्स का फ्लैशर चाहिए। अब मुझे अगर अमेज़ॉन पे इसका लिंक मिला तो मैं दे दूँगा। और एक कंपनी है मिंडा कंपनी, तो उसका भी जो फ्लैशर है वो आप ले सकते हैं। इसको खोल लेते हैं। तो ये जो स्टॉक है वो जैसे ही सेम है। तो यहाँ पर जो ये फ्लैशर है इसको खोल लेते हैं, और जो ये कनेक्शन है यहाँ पर इसको भी खोल लेते हैं, और उस जगह पे इसको लगा देते हैं। यहाँ पर इसको लगा दिया है। तो आप आते हैं कनेक्शन के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वायर्स है। तो हमें क्या करना है, ये जो ऑरेंज कलर का और जो स्काई ब्लू कलर का वायर है इसको दोनों इंडिकेटर्स में डालना है, और जो ये ब्लैक कलर का वायर है इसको फ्लैशर का नेगेटिव जो टर्मिनल है उसके साथ जोड़ना है। ये जो दो अलग अलग कलर का वायर है, ऑरेंज और स्काई ब्लू, इसको आप कोई भी इंडिकेटर में लगा सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं कि इसको राइट में इसको लेफ्ट में, आप इसको भी लेफ्ट में इसमें राइट में यूज़ कर सकते हैं। तो और जो ये वाला है इसको नेगेटिव में कनेक्शन करना है फ्लैशर के। तो मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बी और एल लिखा हुआ है। तो एल पे आपको कनेक्शन करना है, क्योंकि ये वाला जो एल है एल नेगेटिव है। तो आपको इसमें ही जो स्विच का मैंने बताया ये वाला ब्लैक वायर जो एक्सटेंड मैंने कर लिया है उसको एल पे कनेक्शन करना है और यहाँ पर लगा देना है, और बाकी 2 वायर है उसको इंडिकेटर में लगा देंगे। तो मैं वहाँ पर भी एक बार आपको दिखा देती हूँ कौन सा इंडिकेटर के लिए है।
सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिकेटर का लाइन है दोनों साइड का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का है और यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का है और यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर भी ग्रीन है। तो ग्रीन जो है वो नेगेटिव है। दोनों स्विच का वायर आपने देखा, उसके साथ ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये दोनों यहाँ पर स्काई ब्लू और यहाँ पर ऑरेंज, इसके साथ दोनों वायर को जोड़ देना है। जो वहाँ पर भी एक आपको आसान हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो स्काई कलर का है आपको इस तरफ भी स्काई कलर का दिखने को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो वायर जो है वो पॉजिटिव है। तो अलग अलग बाइक में ये अलग हो सकते हैं, जो एक कलर का रहेगा वो नेगेटिव होगा और जो अलग कलर का होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपको पॉजिटिव में इसका कनेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पर इसको खोल के जो वायर मैंने एक्सटेंड किया है उसको लगा देते। सो गाइस मैंने यहाँ पर इसको लेके आया है, तो अभी इसका कनेक्शन करते। तो यहाँ पर जो ब्लू वायर आ रहा है उसको मैं यहाँ पर ब्लू में ही डाल रहा हूँ। इसको खोल लेते और ये वायर को इसके साथ यहाँ पर लगा देते हैं। अभी इस साइड का करते हैं। तो ये मैंने इसको खोल लिया और जो यहाँ पर स्विच का ऑरेंज कलर है तो उसको भी ऑरेंज कलर के साथ जोड़ देते हैं। और यहाँ पर जो सॉकेट है इसका यहाँ पर सॉकेट में डाल देते हैं। और जो ब्लैक और इस पे बाकी रहा तो उसको क्या करते हैं, मैंने बोला है फ्लैशर का जो नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ जोड़ देते हैं। जो ब्लैक वायर का टर्मिनल है उसके साथ ये वाला एल पोजीशन में इसको लगा देते हैं। इसको मैंने जोड़ दिया है, अभी जो इसका सॉकेट है उसके अंदर लगा के यहाँ पर जो पोजीशन है वहाँ पर रख देते हैं। कनेक्शन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और जो ये स्विच है इसको मैं यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर मैं फिट करूँगा। तो यहाँ पर डबल साइडेड जो टेप होता है उसके साथ इसको लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो इसको लगा के यहाँ पर थोड़ा सा गैप रहता है, तो इस गैप में फिट हो जाएगा पूरी तरह से, हिलेगा भी नहीं और यहाँ से निकल भी नहीं जाएगा। तो एक बार पूरी लगा के आपको दिखाते हैं ये कैसा काम कर रहा है। सो गाइस पूरी तरह से ये वायरिंग्स और जो फेयरिंग लगाना था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको फिट किया है, ये यहाँ से बाहर भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये निकलेगा नहीं। तो एक बार इसको ऑन करते आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड का जो इंडिकेटर है वो जल रहा है। मैं एक बार सामने से दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं। तो दिन में तो उतना ज़्यादा आपको मालूम नहीं पड़ रहा होगा, तो एक बार मैं नाइट में इसका जो इफ़ेक्ट है वो दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर रात हो चुका है, तो मैं अभी चाबी को ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो गया। तो यहाँ पर मैंने कोई भी बटन को यहाँ पर ऑन नहीं करा हूँ इंडिकेटर का जो है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस स्विच को ऑन कर रहा हूँ। देख लीजिए जो चारों इंडिकेटर है वो ब्लिंक कर रहा है। मैं सामने से एक बार दिखा देता हूँ और ये पीछे का है। आज का वीडियो यही तक था। तो इस वीडियो को आप लोग अगर पसंद करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।